जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल ही जाता है जो कि पूछ बैठता है, कौन हो तू, कहां से आए, कहां घर है तुम्हारा। तब मैं बड़े गर्व से कहता हूं, मैं एक बिहारी हूं और बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला। तब वह व्यक्ति फिर से सवाल करता है, ये कौन सा नालंदा, किस जगह है ये। तब मुझे बताना पड़ता है कि वही नालंदा जिसे मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा पूरी तरह से जला दिया गया था, वही नालंदा जहां दुनिया के कोने कोने से लोग शिक्षक ग्रहण करने आते थे, वही नालंदा जिसके कारण पूरे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे। अब कहते हैं, अच्छा वो नालंदा। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मगधी फैक्ट्स। आज मैं मगधी फैक्ट्स के जरिए कुछ ऐसे रोचक तथ्यों को बताने वाला हूं जिसे लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं, या शायद पढ़ा हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री ऑफ बर्निंग नालंदा के बारे में बताने वाला हूं। गुप्त वंश के दौरान स्थापित नालंदा बिहार में स्थित यह सबसे बड़े भारतीय आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था, जिसका निर्माण महाराज नरसिंह देव ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। पिछले 800 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने हजारों लाखों छात्रों को शिक्षा प्रदान की, परंतु उस नालंदा को न जाने किसकी नज़र लगी। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में करीब करीब 90 लाख पुस्तकों की एक विशाल संग्रह थी। चीनी यात्री वेनसांग ने प्राचीन काल में जब भारत का दौरा किया था, उस समय नालंदा के विश्वविद्यालय में जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, तब उस समय पुस्तकालय की विशाल संग्रह को देखकर खुद ब खुद चकित रह गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की ताकत और उसकी विशालता इस तथ्य से आप समझ सकते हैं, जिसे जलाने में करीब करीब महीनों भर का समय लगा और जलती हुई पुस्तकों का धुआं 9 मिलियन पांडुलिपियां कई दिनों तक वहां रहे, और धुएं के साथ मानव जाति ने जितनी शिक्षा ग्रहण की थी, उस धुएं के साथ सारी शिक्षा बादलों में लुप्त हो गए। उस नालंदा का इतिहास किसी ने लिखने की कोशिश नहीं की। उस नालंदा का इतिहास कौन लिखेगा? उस नालंदा का इतिहास आज पढ़ने को नहीं मिलता है। उस नालंदा का दर्द कौन समझेगा और उस नालंदा का इतिहास कौन लिखेगा जिसकी छाती को गुणों गौड़ों और बख्तियार खिलजी जैसे आक्रमणकारियों द्वारा छाती पर पैर रखकर उछल दिया गया। स्कंद गुप्त के शासन काल में पूर्ण पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्कंद के उत्तराधिकारियों के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से नष्ट होने से बचा लिया गया। दूसरा आक्रमण गौड़ों द्वारा फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने की पूरी चेष्टा की गई, जिसे बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने फिर से बहाल किया। बख्तियार खिलजी एक पढ़ा लिखा गवार व्यक्ति था, जिसने 1193 में एक सरफिरे की सनक ने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को ही नहीं, उसके लाइब्रेरी को भी जला दिया गया। इसमें रखे 90 लाख बेशकीमती किताबों को इस तरह से जला दिया जैसे कागज के टुकड़ों को जला दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं उन इतिहासकारों से कि जब अकबर और खिलजी जैसे आक्रमणकारियों का इतिहास जब लिख रहे थे, उन हाथों की उंगलियाँ कांपे क्यों नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उन इतिहासकारों से, क्यों हमें भारत पर आक्रमण करने वालों का इतिहास पढ़ाया जाता है और हमारे भारतीय धरोहर का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। मैं पूछना चाहता हूं उन इतिहासकारों से, क्यों आज तक मगध द्वार का नाम बख्तियारपुर जंक्शन रखा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं उन इतिहासकारों से,
जिनके शरीर में ऐसा कौन सा सेक्युलरिज्म का कीड़ा दौड़ रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो यहाँ रहकर भी इन सब चीजों का विद्रोह नहीं किया, जिस बख्तियार खिलजी अपनी ईर्ष्या और हवस को मिटाने के लिए पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को आग में झोंक दिया। उसने सिर्फ इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय को आग में झोंक दिया क्योंकि उसके चारों वेदों ने उसके रोग को ठीक नहीं कर पाया, या फिर इसलिए कि जिसने उसके रोग को ठीक किया वो वैदाचार्य हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, या इसलिए कि वो सिर्फ एक भारतीय थे जिन्होंने बख्तियार खिलजी के रोग को ठीक किया। हम मगध द्वार का नाम बख्तियारपुर जंक्शन रखकर बख्तियार खिलजी को कौन सा ऐसा सम्मान दे रहे हैं? अरे सर माननी चाहिए हमें। आप लोगों के दिमाग में ऐसा कौन सा सेकुलर कीड़ा है जिसके वजह से आप सच्चाई को बोल नहीं पाते? अरे वो तो भला हो हमारे APJ अब्दुल कलाम जी का, जिन्होंने 800 वर्षों से बंद पड़े नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः खोलने का आदेश दिया। जाते जाते मुझे एक शेर याद आ गया, तुम भागलपुर की चूड़ा हो मैं नालंदा का दही प्रिय, तुम भागलपुर की चूड़ा हो मैं नालंदा का दही प्रिय, तुम भारत के सेकुलर कीड़े हो मैं भगवा पहनकर सही प्रिय। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर ऑन करना ताकि आने वाले हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।